समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ और उनकी हर संभव मदद करने के लिए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। साथ ही ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस द्वारा कई शाखाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि वे महिलाओं को प्रोत्साहित करें और उनकी हर समस्या का समाधान करें। मुरादाबाद के लाइन पार प्रगति विहार में 2 वर्ष से बंद पड़े केंद्र को शुरू करने के लिए कार्य किया गया है, जहां पर महिलाओं को जरूरी सामान वितरित करने के साथ साथ उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम किया जाएगा। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा रीता सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाओं की हर संभव मदद की जाए और उनकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। हमारा ये केंद्र 2 वर्ष से बंद पड़ा था और अब 2 वर्ष के बाद इस केंद्र को शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है, जहां पर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए यहां पर काम किया जाएगा। हमारी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद की ब्रांच है, जो कि यहां 23 राज्य से बराबर इन महिलाओं और गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कार्यरत है। उसी तारतम्य में अभी कोरोना के टाइम में हमारा डे केयर, जो कि 12 साल से मुरादाबाद में चल रहा था, बंद हो गया था। ये बड़े भाग की बात है कि आज हम इसका पुनः स्थापित इसको कर रहे हैं और लाइन पार में प्रगति विहार में इसका हमने आज केंद्र बनाया है। उसकी शुरुआत हमने दीप यज्ञ के माध्यम से हमारे मेंबर्स के साथ यहाँ की। क्या इस केंद्र का उद्देश्य रहेगा, क्या कार्य रहेगा? इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन महिलाओं को, जो कि वृद्धावस्था पास आती है, बड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं और इस कठिनाइयों को, इस दौर से निकलना बहुत आवश्यक है। उस दौर को हंसमुख बनाकर, सुखमय बनाकर, आनंदमय बनाकर हम इनका विकास करेंगे, इनको हर सुख सुविधाएँ देंगी। अभी मैंने जैसे बात की, इन्होंने के पास अभी राशन कार्ड नहीं है, कुछ के पास पेंशन नहीं मिल रही है, बड़ी परेशान है। कुछ लोगों को घर भी नहीं है, झोपड़ी में 2-3 ऐसी महिलाएं हैं जो वहाँ पर रह रही हैं। तो हमारे ये प्रयास रहेगा संस्था का कि हम इनके ये सब समस्याओं को निवारण करें और इनका राशन कार्ड और विधवा पेंशन, जो बहुत आवश्यक है और ये हमारी सरकार ने इस पर बड़ा जोर दिया है, और इसको हम पूरा करने में सफल होने का प्रयास करेंगे। हम इसके लिए जिलाधिकारी से या समाज कल्याण अधिकारी सभी से संपर्क करेंगे।